ये सारा उत्सव फ्लड्स में बहा है, ये सारी रोड देख। हाँ, पूरी दीवार गिरी पड़ी है। मेरे 22 इंच अलॉय बोल रहे होंगे, भाई क्या हो गया तेरे को, हमें रोड पे चलाने की आदत डाल के आज कहाँ ले आया है। एंड ये रे थोड़े बैटल स्कार्स हैं, ये देखो ये सारे पत्थर बजे हुए हैं, पत्थरों की चोटें हैं सारी। वो शिट, डिफेंडर घुस गई आगे, भाई ऐसा लग रहा है पलट जाएगी यहाँ से, इतना खतरनाक लग रहा है। टायर पूरा बैठ गया पीछे वाला, उस साइड वाला हवा में भाई। इतना प्यारा व्यू है, कैमरा घुमाते ही आप लोग मेजमराइज हो जाओगे। एक तो इतनी सारी डिफेंडर्स खड़ी हैं, ऊपर से व्यू इतना खतरनाक है, जस्ट हैव अ लुक। गाड़ी ओवरहीट मार गई है और सारा कूलेंट बाहर फेंक दिया। अगर ढक्कन खोला ना तो सेकंड फ्लोर। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो, दिस इज डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। आज एडमिन साहब हमारे को कहाँ घुमाने लेके जा रहे हैं बताओ? सेथन। एंड अभी पासेस वगैरह लिए तो आई फील कि इट्स नॉट अ टूरिस्टी प्लेस, सिंस हमें पास वगैरह लेना पड़ रहा है। एडवेंचर जगह है ज्यादा वो, है एडवेंचर तो कल किया था भाई जबरदस्त। आज तुमने गाड़ी नहीं उतारी थी भाई, तुम दोनों को भी गाड़ी उतारनी पड़ेगी। कहाँ उतारी? आगे तक। भाई करोड़ों रुपए खर्चे क्या फायदा, यहाँ तक आवाज आ रही है, मेरी डिफेंडर स्टार्ट हुई है, फुल स्टार्ट की आवाज आ रही है। बट भाई सारा काफिला निकल रहा है, सारी गाड़ियाँ आ गई है एंड अपना स्टारबक्स रेडी हो रहा है, तो जैसे ही रेडी होता है फिर वो लेके बस सारे चल रहे हैं उत्सव। वैसे हमारे को ब्रेकफास्ट वाला रूम लेने का कोई फायदा नहीं है, हम डेली मिस कर देते हैं। भाई मेरा अगली बार से रूम बिना ब्रेकफास्ट कराना, क्योंकि मैंने मिस कर देना होता है। हां जी एमएलए साहब, कर लिया ब्रेकफास्ट? कैसा था? कुछ लेकिन ना निकले, कम होगा ओट्स वगैरह, चाय, मैगी, बस यही खाना। चलो यही सब खाएंगे, पहाड़ों में तो चलता ही है यार। ओए होए होए भाई, बिना शेव कराए भी तुम्हारा भाई हैंडसम लगता है, दाढ़ी दूढ़ी सेट नहीं हो रखी तब भी। ओए होए होए होए, क्या लग रही है अपनी वाली, वो देखो किंग ऑफ द माउंटेन, सीरियसली ऐसी फील आ रही है यहाँ से। ले यार ना, क्या रिश्वत तेरी, पहले मिल गई, तूने बाद में ऑर्डर करा, पहले मिल गई। एमएलए साहब की सारा काफिला रुका हुआ है एक कॉफी के लिए, जितने की हमने आपसे कॉफी ली उससे ज्यादा का तेल लग जाएगा सारी गाड़ियों खड़े खड़े। लो भाई हमारा स्टारबक्स भी आ चुका है, काफिला भी हमारा चल चुका है। चलो चलो चलो, ये आ गई हमारी सवारी। इधर लगाओ सर, बिठालो हमारे को। सर गरीबों को भी जगह दे दो। अच्छा मैं चलाऊ? चल चल मैं चला रहा हूँ। यो यो डीजे अर्नव, गाने तो चला दे भाई। हाँ जी भैया, तो सर आपका फेवरेट ही लगा दूँ? यस लगा दे। डन भैया। फेवरेट तो बहुत सारे, कौन सा वाला लगा रहे हैं आप? सुनो तो फिर। ओके भाई, वैसे एक है चीज, ये शायद इंडिया का हाईएस्ट स्टारबक्स था जहाँ से हमने ये लिया, और इससे गंदा स्टारबक्स मैंने आज तक कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस आज स्टाफ बहुत अच्छा था, टेस्ट इतना बेकार। तेरा वाला कैसा बना है भैया? ओके ओके है, मतलब ओके मजा नहीं आया मेरे को तो। जैसे हमने चंडीगढ़ में लिया था ना, वो तो बहुत वो अच्छा था, ये वाला इतना बेस्ट में मजा नहीं आया। तेरा उत्सव बेकार, तेरा भी बेकार है। पीए नहीं जा रहा, जबरदस्ती खत्म करना पड़ रहा है। स्टाफ अभी न्यू है इसलिए ऐसे, मे बी इतने काफिले में भी अगला हमारी गाड़ी पहचान गया भाई, ऐसे हाई कर रहा था। बट जबरदस्ती खत्म करनी पड़ रही है भाई, ये तो ऊपर से बड़ी वाली ले ली। मेरे को लगा हर स्टारबक्स का सेम टेस्ट होता है वैसे तो, यूजुअली इस वाले का भी होगा। भैया बच्चों को देखा है? सबको पता है डिफेंडर के बारे में। अरे वहाँ से चीखे, अभी हम शीशा खोला हुआ है हमने, तो चीख रहे थे डिफेंडर चाहिए डिफेंडर। हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है भाई, कैसे हो? मतलब चलो ध्यान से बस डार्लिंग, ओके कैरी ऑन, बाय बाय। और वीरे व्हाट्स अप, तो गाइस वी हैव राजवीर इन द कार विद अस, जो कल आपने वीडियो में देखा था कि गाड़ी से कूद के भागा था। मैं इसको राजवीर राजवीर बुला रहा, कह रहा है भैया कॉल मी राज, कह रहा है एवरीबॉडी डज, मैं कहा देन आई कॉल यू वीर, क्योंकि राज तो सब लोग बुलाते हैं तो हम वीर बुलाएंगे। ठीक है वीरे, चलो भाई। अभी आप लोगों को बताओ, हिमाचल में रिसेंटली फ्लड्स आए थे, तो ये सारा उत्सव फ्लड्स में बहा है, ये सारी रोड देख। हाँ पूरी दीवार गिरी पड़ी है, सामने देख कांटे वाले दो पत्थर इतने पास पास है, टायर निकालना उसमें से। पर जो हमने कल कर लिया उसके बाद ही तो पीस ऑफ केक है इस गाड़ी के लिए। थू, मैं खुद ही जिंक्स ना कर दूं भाई, खुद ही नजर ना लगा दूं भाई, मेरा डर निकल गया इस गाड़ी को लेके ना। मैं बड़ा इसको ना नाजुक कली, मतलब वैसे तो ये नाजुक कली बिल्कुल भी नहीं है भाई ये कहीं से, बट मैंने इसको ऐसे ट्रीट करता था लाइक मैं प्रिंसेस की, भाई बिल्कुल नहीं यार यहाँ लेके जाना, ये पतली गली में नहीं लेके जाना, इसको हल्का सा गड्ढे होते बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाना। बट कल के बाद जो मेरा जिगरा खुला है ना भाई, अब तो मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। अभी हमारी वैसे बात चल रही है लेह लद्दाख की, शायद हम लोग यहाँ से लेह लद्दाख भी निकल जाए शायद है, बट मुझे लगता नहीं कि फैमिलीज वगैरह साथ हैं, वो लोग लेह लद्दाख वगैरह नहीं कर पाएंगे, इट्स अ बिट टफ। देखते हैं, अगर बन गया तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, मेरा बहुत ज्यादा मन है इसको लेके जाने का। अगर इस बार नहीं बना तो हम सेपरेटली अलग से लेह लद्दाख के लिए निकलेंगे, जाएंगे जरूर इसी गाड़ी पे करेंगे। वैसे भैया कितना ऊंचा लेवल होगा ना पानी का उस टाइम पे यहाँ पे?
अभी जैसे पूरा सूखा पड़ा, बारिश भी बहुत हुई थी ना उस टाइम पे। गाइस देखो वहाँ पर बोर्ड लगाया उन्होंने, ड्राइव स्लो सिंकिंग जोन, पर ड्राइव फास्ट होना चाहिए था ना कि जल्दी से सिंकिंग जोन पार करो निकलो। इतना बाहर की ट्रक निकल रहा है मेरे को तो डर ही लग रहा है भाई, सिंक ही ना हो जाए। इसको आने देते हैं फिर निकालेंगे हम अपनी गाड़ी एक ही बार में। वैसे रोड भी कितनी कोने तक होती थी और अब कितनी आधी रह गई है, छोटी सी रह गई है। कितनी चौड़ी रोड थी ना लास्ट टाइम आए थे भाई। इंसान कितना भी मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाए और कितनी भी महारत हासिल कर ले, कितनी भी साइंस इस्तेमाल कर ले, बट कुदरत के आगे कभी नहीं टिक सकता भाई। कुदरत ने एक सेकंड में साफ कर देना है। वैसे बाइक अगर हम रेंट पे ले लेते तो कितना अलग हो जाता सीन, है ना। बाइक लेके चलते हैं वहाँ पर अटल टनल वगैरह वाली साइड, बाइक में हालत कितनी खराब होती ठंड में। अरे कुछ ना होता है, मजा आ जाता नेक्स्ट लेवल। कोई नहीं, मैं तो डिफेंडर भी आना है, मैंने आपको पता ही है। तू इसी में आ जाइए भाई, मैं बाइक चला लूंगा, मेरा बड़ा मन करा बाइक चलाने का। खुश हो गए पंप वाले हैं, वो देख अंदर से कैसे भागता खुश हो गए मैंने भाई। एक्सपी रखो फिर हम भी आएंगे तुम्हारे पास। यानी रिफ्लेक्शंस में अपनी गाड़ी देखने में कितना मजा आता है ना, ओनली कार गाइस विल अंडरस्टैंड। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कौन कौन ऐसे करता है। मेरी बड़ी गंदी आदत है, अगर मेरे को दिख जाएगा ना राइट पे कहीं शीशा है, मेरी नजर यही होगी कि शीशे में अपनी गाड़ी देख लूं एक बार। ये मेरे हिसाब से बहुत सारे कार गाइस करते होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। देखो कितना सुंदर व्यू है भाई, अरे देख रहे हरे पहाड़ फिर पीछे पीछे स्नो, ये देखो इधर सारा वेरी ब्यूटीफुल भाई। स्नो तक जाएंगे हम, स्नो तक भाई किस्मत ही नहीं हो रही ना, हम निकल तो स्नो तक जाने के लिए रास्ते में कोई कांड हो जाता है और फिर वहां तक पहुंच नहीं पाते। कल भी हमने जाना था पूरा आगे जिसपा और आगे और जाना था, और हम तो शिंगला भी सोच रहे थे जा सकते हैं, बट फिर वही जो कांड हो गया आपने कल के वीडियो में देखा ही था। नहीं देखा तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, जल्दी जाके वीडियो देख लो, पूरी सीरीज देख लो, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोस। लास्ट टाइम गाइस हम इस होटल में रुके थे, ये भी ठीक ठाक अच्छा होटल है और हम इसमें रुके थे, बड़ा एंजॉय करा था हमने, ट्रिप बहुत एक्सटेंड करा था, 5 दिन के लिए आए थे, 7-8 दिन रुक के गए थे। गाइस जहाँ हम जा रहे हैं अमता पास, वहाँ पर जाने के लिए परमिट लगता है और स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और ऑनलाइन मिल जाती है, ऐसी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट सामने आप बोर्ड पढ़ो एक बार, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू द व्हीकल नंबर जो ऑक्यूपेंट्स ड्राइविंग ऑन द रोड लीडिंग टू अमता कैन बी डेंजरस ड्यू टू नैरो रोड, द पर्सन/पर्संस शैल बी होली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट। बेसिकली ये कह रहे हैं कुछ भी हुआ तो आप यहाँ के बाद से खुद जिम्मेदार हो, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे वाह ब्यूटीफुल भाई, डिफेंडर ड्रिफ्ट करती हुई बहुत प्यारी लग रही है। ये लो भाई परमिट, क्या करना है? चलान का नहीं है, कह रहे मर गए तो आप जिम्मेदार हो, हम नहीं है। तो वो चलान वाला नहीं है, इंडेमनिटी है ये। चलान गार्ड साहब कहाँ साइन करना है, यहाँ थैंक्स के ऊपर कर दूं यहाँ भाई? ऐसे डरा क्यों रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ, डरते तो नहीं हम, पर जाए ना जाए बंदा घबरा जाएगा। ओए यार मैं पैर पे चढ़ाओगे? ओ सॉरी भाई सॉरी, जान के रिकॉर्ड करो, ये जान के चढ़ाया था, जान के चढ़ाया था, वही तो कह रहा हूँ सॉरी भाई जान के चढ़ाया था। इतना बार बार मेरा हाथ जाता है हैंड ब्रेक की तरफ, याद आता इसमें तो है। ये देखो लुक एट माई हैंडसम ब्रो, फुल ऑरेंजी मूड में आज मेरा भाई, ऑरेंज लग रहा हूँ ना पूरा। लास्ट लास्ट ले लूंगे हम, थोड़ा शेयर कर लो पाजी के साथ। पाजी आप ये ले लो, कुकी चक्को आप पूरी, बहुत अल्टीमेट है, व्हाइट चॉकलेट एंड हेजलनट भाई लेके आया, और मीठी लग रही है। एक और व्हाइट, नहीं नहीं इतनी भी नहीं है। बिस्को क्या लेके घूम रहे ये नाश्ता? ओह माय गॉड, तोबा तोबा क्या गंदी बीजेपी में अभी खुद बोली थी मैंने, अभी मैंने भाई एक बात सब बताओ, पूरी ट्रिप में एक सिप भी मारा मैंने शराब का? आपकी पेमेंट हो जाएगी। A few moments later. भाई क्या रास्ता, इतना नैरो, बिल्कुल हेयरपिन सही लिख रखा था उन्होंने और सारा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। सामने वाली डिफेंडर अभी ऐसा आएगा ना, देखियो रिकॉर्ड करियो कैसे चढ़ रही है वो देखो। ये वाला फिर भी इजी है, वो पिछले वाला थोड़ा सही था, टायर स्लिप कर गया था मेरे, हमारा तो पंजे देते कहीं भी स्लिप हो जाते, कभी भी कर रहा है। Effortless. Look at the view. So beautiful. So elegant. Just looking like a wow. मेरे 22 इंच अलॉय बोल रहे होंगे, भाई क्या हो गया है तेरे को? हमें रोड पे चलाने की आदत डाल के आज कहाँ ले आया है? बाहर थे वाले टर्न्स पे ना, हो सकता है गाड़ी पत्थर फेंके मेरे वाली, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ओके ओके। पंजा दबा के रखो, फुट निकलती है। वाटर क्रॉसिंग, नाला क्रॉसिंग।
क्लियर ना व्यू देख बाहर और सामने ऑफ रोड देख बढ़िया, बस कोई चोंच वाला पत्थर ना मिले हमें, सब गोल गोल मिले तब तक ठीक है। ये देखो ना जिया लगा रखा है, ये कर्व नंबर 14 है, 38 कर्व्स है टोटल, और इन्होंने सारे मार्क करे हुए हैं कि इतने कर्व्स हैं आपको ऊपर पहुंचने के लिए 38 कर्व्स हैं। ये मत बताते क्यों, अब ज्यादा लग रहे हैं। इजी है, मैं तो ऐसे ही सबको छेड़ रहा था कि भाई ये साइन करा लिया, ये तो बड़ा खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो इसलिए साइन करा लिया था कि थोड़े अनप्रेडिक्टेबल है, नैरो रोड्स हैं एंड टर्न्स थोड़े शार्प हैं, बस इसलिए। सीधे खड़ा पहाड़ है, ये घड़ी चढ़ाई है उसके लिए भी। क्या हो गया इनको, रुक क्यों गई? अच्छा नैरो है बहुत ज्यादा, उधर जिनको एडवेंचर पसंद है उनके लिए भी, और जिन्हें ये सीनिक व्यूज वगैरह ये सब पसंद है उनके लिए भी। ये सबसे टफ कर्व यही लग रहा है मेरे को, काफी टफ है, मजा आ गया। देख कितना ऊपर आ गए थोड़े बहुत कर्व में। कई गाड़ी आ रही है, अब फास्ट लग रही है, स्लो वाली है ना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। बर्फ देख कितनी पास आ गई है, बहुत पास आ गई और एकदम पीक पे आ गए हैं ऐसा लग रहा है। ये खड़ी चढ़ाई है ना, देख 38 टर्न में कितना ऊपर आ गए एकदम। सारे कह रहे हैं कि गाड़ी के 1 करोड़ रुपए वसूल हो गए भाई, हमारे 2 करोड़ वसूल हो गए भाई। वो तो एक ऐसी बोलने बोल दिया, एक की तो कहाँ आती है डिफेंडर, सबकी 1.25, 1.25 ऐसे है। चलो जी पहुंच गए, सारा काफिला इधर खड़ा है, डर गया तेरा लगा नीचे चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे लाड ले, 10-20 को साथ लेके जाएंगे नाना, तुम तो चार ही हो और 10-20 भी हेटर, तुम तो प्यार करने वाले हो। खाने की फिराक में कुछ खाना मिल जाए इसको, यही मंडो उठता हुआ पकड़ेगा, देखना तेरे को ना ले जाए, देख लियो देखना भाई, कुत्ता थोड़ी है। म्यूजिक यहाँ से कर रहा है कौवे को। गाइस एक जगह हमने स्टॉपेज लिया है अभी यहाँ पर, जस्ट लुक एट द व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू,
बहुत ही सुंदर है, इतना पीसफुल है, है? बहुत ब्यूटीफुल व्यू। कमेंट सेक्शन में ना बेइज्जती कर दो थोड़ी इसकी, फिर समझ आएगा इसको फुटेज खाने के क्या नुकसान होते हैं। व्यू देखो कितना प्यारा है, रियली ब्यूटीफुल, रियली सीरीन एंड वेरी पीसफुल। वैसे भैया आपने एक चीज नोटिस करी क्या, डिफेंडर की एड देखी है, वो वाली जो आई थी जेम्स बॉन्ड वाली? हाँ, बिल्कुल ऐसी पहाड़ियां होती है, कुदाते 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 नीचे। अरे हाँ, ऐसी वाली तो है। ओए देखिए वो जेम्स बॉन्ड वाली एड डिफेंडर की, ऐसे कुदाता है, ऐसे ही कुदाता है, ऐसे ही यहीं से जा रहे होते हैं। अपनी गाड़ी की चाबी दे, तुम्हारे ऑफ रोड टायर लगे हैं ना, उसी में करेंगे। एड में ब्लैक कलर की थी, एड में हो चुकी ना ब्लैक, अब व्हाइट की बारी है और व्हाइट ज्यादा हमारे पास, व्हाइट करेंगे। चलो आ तेरी बच गई। तो यूनिक करेंगे कुछ। गाइस सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमारे व्हील्स ने, हमारे टायर्स ने बहुत साथ दिया हमारा, इवन दो 22 इंच के हैं ये, तब भी आप देख सकते हो बैटल स्कार्स, इधर इधर पत्थर लगे हैं एंड व्हील पे भी एक दो जगह निशान लगे थे, ये था बहुत हल्का सा एक यहाँ पर लगा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छा अट्रैक्शन दे रहे हैं ये, जैसे रोड पे तो ये बहुत अच्छी ग्रिप वगैरह देते हैं, बट ये ऑफ रोड में भी अच्छा अट्रैक्शन दे रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड, गुड जॉब पिरेली, रियली नाइस टायर यू मेड। एंड ये रहे थोड़े बैटल स्कार्स हैं, ये देखो ये सारे पत्थर बजे हुए हैं, पत्थरों की चोटें हैं सारी, और पीछे भी हैं, इस वाले में भी है, ये देखो इसमें तो उल्टा ज्यादा है, ये देखो पत्थरों की चोटें हैं सारी, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी पानी से साफ हो जाएंगी सारी। सही साथ दे दिया भाई, 22 इंची ने भी बढ़िया साथ दे दिया। अब जो नेक्स्ट लुक बट हम जो बनाएंगे ना अपनी गाड़ी, वो ऑफ रोड वाली बनाएंगे, जैसे हमने थोड़ी सी माफिया टाइप लुक बनाई ना बॉडी किट वगैरह के साथ एंड बड़े व्हील्स एंड ब्लैक ब्लैक वाली, तो अब नेक्स्ट में हम थोड़ा सा ऐसे टाइप की लुक बनाएंगे जिसमें थोड़ा ऑफ रोड रखेंगे, ऑफ रोड व्हील्स एंड ऑफ रोड टायर्स लाएंगे, बट थोड़ा टाइम बाद। बाजी आए हैं बहुत बढ़िया हमारे साथ डिफेंडर चला के, कैसा लगा आपको, वर्थ द मनी? आपने पहली बार करा अपनी कार के साथ ऐसा कुछ, है ना? 3 साल हो गए ना आपको डिफेंडर ऑन करते हुए, क्या बात है, अब आज लग रहा होगा पैसे वसूल हो गए पूरा पूरा, है ना? यू गॉट इट इन द फर्स्ट हाफ ना, एकदम इनिशियल में आपने ले ली थी, तब एकदम नई नई आई थी, 3 साल हो गए, क्या बात है। एंड 60,000 किलोमीटर, तंग तो नहीं किया? नहीं अभी तक तो नहीं, अब कर रही है थोड़ा थोड़ा। चलो भाई ने सैमसंग नाग रखा है इसका, कौए का क्या सैमसंग है, सेतन इस साइड नहीं आया, मैं तो अटल और उस साइड गया हूँ सारा, इस साइड पहली बार आया हूँ, बट वॉटर ड्राइव यार मजेदार, डैम वाला व्यू बहुत सुंदर, अच्छा बहुत अच्छी ड्राइव है इधर, वर्थ इट डिफेंडर के लिए। हाँ हाँ पूरा भाई। बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ से, व्यू बहुत अच्छा है, अभी और ऊपर से कह रहे हैं और अच्छा है, अब वहाँ चलते हैं, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, आपको भी साथ मनाली घुमा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू गाइस नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल हिमाचली लेडी खड़ी है। थैंक यू मैम। हिमाचल में कहाँ से हो आप? कुल्लू। आपको छोड़ गई क्या? चलो ठीक है। ये भाई हमारे वीर की मॉम है, मोस्ट टैलेंटेड वीर, इसको गाड़ियों का बहुत शौक है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी ग्रुप है हमारा, डिफेंडर क्लब ऑफ इंडिया। हाँ जी हाँ जी गए थे। अच्छा अच्छा, आगे कैसा है व्यू वगैरह? अच्छा है ऊपर, अच्छा है, मस्ट विजिट। चलो टेक केयर गाइस, एंजॉय, बाय बाय, राइड सेफ। तो बाइक पे आया हुआ है अफ्रीका ट्विन पे, प्यारी लग रही है, पर BMW का कलर चोरी कर रही है, है ना? सेम GS वाले कलर्स, हमारी का भी तो यही था। हाँ जी, हमारी का भी ऐसे कलर स्कीम था ना GS का, बाइक की जगह सिल्वर था बस। अर्णव बताइए क्या कह रहा था? अर्णव कह रहा था छोड़ दो इसे। कितना बुरा है, मैं ना डैश कैम की रिकॉर्डिंग निकलवा लूं अब तो। एमएलए साहब को छोड़ देते हैं। एमएलए साहब सब पे ठीक है? सब पे ठीक है पक्का? बोल सकता है भाई, बोला है इसने। अभी डैश कैम की रिकॉर्डिंग अश्विन भी, आप देखना मेरे पे भी 70 माइक की ऐप है, अभी खुद ही निकाल लूंगा। अब इसमें वही नहीं होती वॉइस। ये तो फिर आपने गेम खेल दी मेरे साथ, कॉन्स्पिरेसी, न्यू कॉन्स्पिरेसी। इसको निकल दो, बताया था इसको झूठ बोल रहा है, खेल रहे जान के नंबर बना रहा था भाई, बहुत बुरा है भाई। कोई नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, हम पैदल आएंगे, बता दे भाई तू ही जा ना, हम उतर रहे हैं। हाँ वीरे तू कह दे कि आप ही पैदल आओ भैया, मैं तो जा मेरे साथ आने को रेडी है। नहीं है, देख लो नहीं है, रेडी देख लो, हूँ मैं रेडी। अब बोलो भैया, क्या प्यार है हम दोनों का भाइयों का। ठीक है चढ़ा, वो शिट डिफेंडर घुस गई आगे, चढ़ गए ऊपर, ये क्या हो गया, टाइटल थंबनेल चेंज, पहाड़ों में ये क्या हो गया।
रसूल, ओ भाई ऐसा लग रहा है पलट जाएगी यहाँ से, इतना खतरनाक लग रहा है। टायर पूरा बैठ गया पीछे उस साइड वाला हवा में। भाई क्या शूटिंग हो रहा है? हाँ जी, मूवी बन रही है, मूवी जेम्स बॉन्ड। Guys, my Veera is so talented. मैंने उसको बोला कि रील बनाने के लिए, he was stabilizing the phone also, अपना हाथ दूसरा रख के, मतलब इतना इसको नॉलेज है यार। आज भाई मुबारक हो, उद्घाटन हो चुका है, पहली बार 4-लो डाला है इस गाड़ी में, 4x4 जिसको हम कहते हैं, पहली बार डाला है तो उद्घाटन हो चुका है। अब ऑफ कर देते हैं, ये सही है एयर सस्पेंशन वाली गाड़ी की, ऊंची करी नीची करी काम सारे कर देती है। गया भाई हाई रेंज सिलेक्टेड, अब गाड़ी की भी हाइट हम नॉर्मल पे कर लेते हैं, फुस कर देते हैं एयर बैगों को। चलो जी भाई, सच अ केपेबल कार, थू नजर ना लग जाए यार। ओजस जी, यार गाड़ी है यार ये मस्त, बिल्कुल ही, ये तो एफर्टलेस चल गई, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल चुम्बेश्वरी से भी ज्यादा ऊपर था। अरे खुद चढ़ी है, मतलब यू जस्ट हैव टू नो कि ये P400 में ना एक दिक्कत है, हल्का सा थ्रॉटल में ना गाड़ी एकदम जंप लेके चल जाती है, बहुत पिकअप ले लेती है। वो थोड़ा सा अगर आप मॉड्यूलेट कर लो ना 4-लो डालने के बाद, तो एफर्टलेस भाई ट्रैक्शन कंट्रोल इतना जबरदस्त, मेरे को यहाँ पर पूरा डिस्प्ले में आ गया कि मेरे चारों व्हील्स बने हुए आ गए, मेरे सस्पेंशन बना हुआ आ गया, कौन सा सस्पेंशन कितना आर्टिकुलेट करा वो दिख रहा था सामने, कौन सा व्हील ट्रैक्शन लूज कर रहा है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल उसको ट्रैक्शन दे रहा है, सब सामने डिस्प्ले बनी हुआ आ गई यार, इतनी जबरदस्त चीज थी ये। Amazing भाई, इंजीनियरिंग सीरियसली भाई, लैंड रोवर हैट्स ऑफ, मतलब ऐसे ही नहीं बोलते भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडर्स इन द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है एकदम नेचुरल ब्यूटी में आ गए, कश्मीर वाली फील आ रही है मेरे को तो, पूरी पूरी वही वाइब है। इतनी धीरे चल रहे हैं, 100% स्कोर मिला, एवरेज देखो कितनी हुई है, 2 की भी नहीं हुई, 2 से भी कम। अब देखो व्यू भाई, नेक्स्ट लेवल, सो ब्यूटीफुल यार, सीरियस दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस गाइस, इतनी बढ़िया जगह है यार। हम हर बार मनाली आते हैं, अटल जाते हैं, अटल से लेफ्ट चले जाते हैं जिस्पा की तरफ, राइट चले जाते हैं दूसरी तरफ, इधर हम कोई एक्सप्लोर ही नहीं करा कभी सेतन, वो अच्छी जगह यार, ये तो एक्सप्लोर करनी बनती है, डिफेंडर से बड़ा पत्थर है भाई, और ऐसे लावारिस पड़ा हुआ है, सोच कहाँ से आया है, कैसे आए इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ बीच में, ये तो ऊपर से गिर के आए हैं सारे, ये यहाँ भी पार ऊपर से ही आए हैं सारे। सो गाइज, अभी हम इतनी प्यारी जगह पे आए हुए हैं ना, इतना प्यारा व्यू है, कैमरा घुमाते ही आप लोग मेजमराइज हो जाओगे, एक तो इतनी सारी डिफेंडर्स खड़ी हैं, ऊपर से व्यू इतना खतरनाक है, जस्ट हैव अ लुक, ये देखो भाई क्या व्यू है भाई, ये देखो ये सारी डिफेंडर्स खड़ी हैं, एक वहाँ पर भी है आगे, और ये देखो व्यू बहुत, मतलब कैमरा जस्टिस ही नहीं कर रहा भाई, मतलब ये इतना सुंदर व्यू है ना, कैमरा सीरियसली जस्टिस नहीं कर रहा, उधर सारी बर्फ गिरी हुई है, ऊपर ये डैम है इधर, और ये देखो डैम का रास्ता है यहाँ से, प्यारा व्यू है भाई, क्या पेड़ है, मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है नेचर के इतना क्लोज है, ऐसा लग क्या रहा है ही हम नेचर के इतना क्लोज, और इतना शांत है, इतना पीसफुल है एंड इतना इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं एकदम किनारे पे, यहाँ से पहाड़ी के आगे थोड़ी सी खाई टाइप है, और ये देखो ऊपर सारे पहाड़, क्या प्यारा व्यू है भाई, बहुत गजब मज़ेदार। ये सारे भाई बैठे हैं अपने बढ़िया से, मैगी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, स्पेशल अपीयरेंस है बॉस लेडीज ऑफ द ग्रुप, थर्ड बॉस लेडीज ओवर देयर, एंड कैसा लगा भाभी व्यू? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत पीसफुल है, इतना प्यारा व्यू, बहुत टाइम बाद इंजॉय किया है, रियली नाइस। ये देखो गाइस, इधर अभी कैमरा पे शायद कैप्चर ना करो, प्रॉपर रिवर बहने की आवाज आ रही है, एंड नीचे थोड़ी बहुत इधर से अगर दिखाएं, वैसे तो पानी का फ्लो बहुत कम है, बट नीचे थोड़ा बहुत पानी है, शायद ये डैम से ही पानी रोका हुआ, जब ये फ्लो खोलेंगे तो यहाँ से क्या नदी बहेगी, आई एम नॉट श्योर वैसे, बट ये डैम है यहाँ पर, और बहुत प्यारी सीनरी है भाई, मतलब मेजमराइज्ड हो गया भाई, सीरियसली इधर मस्ट विजिट प्लेस है ये तो।
गाइस फाइनली पूरा दिन मस्ती वस्ती करने के बाद वी आर बैक टूवर्ड्स आवर होटल और जाएंगे आराम से थोड़ा चिल करेंगे वहाँ पर, थोड़ी नींद पूरी करेंगे क्योंकि कल एक और एक्साइटिंग दिन होने वाला है। तो अभी वापसी में थोड़ा सा ऑफ रोड इन्जॉय करो हमारे साथ और चलते हैं होटल और फिर हमारे साथ होटल की मस्ती इन्जॉय करना। और एक चीज़ मुझे बता देना, अगर आपको लग रहा है कि इस पूरे व्लॉग में आप हमारे साथ मनाली घूम रहे हो हमारी गाड़ी में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, अगर ऐसी फील आ रही है नहीं आ रही। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सारे भाइयों को बहनों को सबको घुमा रहा हूँ अपने साथ यहाँ पर और फैमिलीज़ को आप सबकी, क्योंकि कई सारे हमारे व्यूअर्स जो है फैमिली के साथ भी देखते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप सबके साथ मनाली आया हूँ। तो ज़रूर कमेंट में बताना। बाकी चलते हैं अब ऑफ रोड करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। बढ़िया फीचर बताया हमारे को भाई ने, मेरे ध्यान में मतलब पता था मुझे ऐसा फीचर ध्यान नहीं था, पर हमारे वीरे ने बताया। बहुत ही नैरो गली थी जिसमें से गाड़ी निकालनी थी और भाई ने बताया अरे भैया ये वाला कैमरा लगाओ ना, फिर मैंने इसमें दिखाई, देखो दोनों व्हील्स दिखा रहे हैं, लेफ्ट वाले का दिखा रहे, अब मैं ऐसे काटूंगा देखो व्हील बाहर आ गया ये देखो, और उसके बाद देखो ये वाला साइड पे ये ऐसे आ रहा है, तो हमने इसमें से देख के निकाल ली। इतना फायदा है देखो, डिजायर भी दिख रही है हमारे को, फायदा तो है भाई इस गाड़ी का। ये देख ले अभी एक और फीचर भाई नहीं बताया, याद दिलाया कि ये देखो भैया अंदर से भी ऐसे दिख जाता है, इसमें बोनट के पार भी आपको दिख रहा है। ये देखो बोनट के नीचे आप कौन से पत्थर को, ताकि आपकी अंडर बॉडी किसी पत्थर को ना हिट कर जाए, यू कैन सी थ्रू द बोनट, ये कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है नीचे। बड़ा हेल्पफुल है भाई, बहुत सही चीज़ है। एंड इसका वाटर वेडिंग में भी फायदा होता है, ताकि आप पानी के अंदर हो आपको दिख तो नहीं रहा ऊपर से कि क्या पत्थर है क्या नहीं, आपको यहाँ से दिख जाएगा कि पानी में कोई ऐसा बड़ा पत्थर तो नहीं है जो आपकी अंडर बॉडी को डैमेज कर दे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई एक बार वाटर बलून दिखा, क्या लग रहा है यार क्या व्यू है। Later that night. So guys, अभी ये देखो डिस्को ने गाड़ी ऐसी डिफेंडर चलाई है कि ये देखो गाड़ी ओवर हीट मार गई है और सारा कूलेंट बाहर फेंक दिया है। रेडिएटर के ढक्कन को हाथ मत लगाइए, बस ये कितना कूलेंट निकल गया, सारा ही निकल गया, बस छोड़ दो वैसे थोड़ी सी पानी डाल के चल जाएगी, गरम गरम मजा आ रहा है। तो गाड़ी आपकी यूज हुई ना, बड़ी अब्यूज हुई, तेज आई बहुत, हल्का सा ढक्कन ढीला होगा ना तो प्रेशर उसका सही। इसमें ना एक ओरिंग होता है, एक सील होती है, तब भी मैन्युफैक्चर हुई हुई, किसी ने ढंग से इसको टाइट नहीं किया, बस कूलेंट यहीं से बाहर निकला है। हाँ यहीं से निकल रहा है भाई, ऊपर से वरना नीचे हो जाता है। ओके ओके रिलैक्स करो, कुछ मेजर नहीं है, बस ढक्कन ढीला था, गाड़ी गर्म हुई, कूलेंट गर्म हुआ, पानी डाल के चला लेना, पानी डाल के चला लेना। पुलिस प्रशासन हमारे लिए हमारी सेवा में, कभी नहीं बहस कर लूँ। नहीं नहीं मैंने समझाया, ए सी भी नहीं चल रहा था आपका, ट्रिप मार गया होगा ना हीट होने से, ट्रिप मार गया। डिस्को इसने मीटर पे दिखाया हुआ गाड़ी हीट हो रही है, कुछ नहीं दिखाया, नहीं, कुछ नहीं दिखाया था, पहले एसी नहीं चल रहा था, फिर मैंने रीसेट करवाया। सबसे पहला टेल टेल साइन ही एसी ट्रिप मार जाएगा जब गाड़ी हीट हो रही होगी।